नाजरीन, फिरोज खान पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में सबसे महंगे एक्टर हैं। जिस जिस ड्रामा में भी परफॉर्म करते हैं वो एक नया ही रिकॉर्ड बना देता है। और आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि फिरोज खान कौन है, कहां पैदा हुए और किस ड्रामा में इनको मकबूलियत हासिल हुई, और वो हकायक जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सकलैन मिश्ताक और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर आप फिरोज खान के फैन हैं तो इस वीडियो को भी लाइक करते जाएं। चलें आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। फिरोज खान 11 जुलाई 1990 में सुबह बलूचिस्तान के शहर क्वेटा में पैदा हुए और 2021 के हिसाब से इनकी उम्र 31 साल हो चुकी है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग क्वेटा से ही की और इनकी क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ आर्ट है। फिरोज खान प्रोफेशनली एक एक्टर और मॉडल हैं। और अब इनके कैरियर की बात करते हैं। इन्होंने अपना एक्टिंग कैरियर 2014 में सज्जल अली के साथ चुप रहो प्रोग्राम से शुरू किया। इसके बाद सज्जल अली और फिरोज खान दोस्त बन गए। इनकी इस कदर खूबसूरत दोस्ती को देखते हुए इनके फैन इन्हें रियल कपल मानते थे। लेकिन बाद में फिरोज खान ने अलीज़े फातिमा से शादी की और सज्जल अली ने एक्टर अहद रजा मीर से शादी की। इसके बाद फिरोज खान ने बिखरा मेरा नसीब में काम किया, जिसमें इन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिल सकी। फिर जब 2016 में गुर्रियाना में इन्होंने सज्जल अली के साथ काम किया तो बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली। 2017 से लेकर 2018 का दुरानिया वक्त फिरोज खान के लिए बहुत ही लकी साबित हुआ, क्योंकि इस दुरानिये में इनकी ज़िंदगी के बेस्ट ड्रामाज रिलीज़ हुए। फिरोज खान को सबसे ज़्यादा मकबूलियत खानी से मिली, जो कि अपने आप में खुद ही एक रिकॉर्ड बन गया था। हाल ही में इन्होंने इश्किया और दिल क्या करे ड्रामों में काम किया और अब फिरोज खान पाकिस्तान ड्रामा में से सबसे ज़्यादा हिट ड्रामा खुदा और मोहब्बत के सीज़न 3 में देखे जा रहे हैं। फिरोज खान के इस ड्रामा ने पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को अनब्रेकेबल रिकॉर्ड बनाकर पेश कर दिया है। ड्रामों के साथ साथ इन्होंने अपनी फिल्मी ज़िंदगी का आगाज़ 2016 में ज़िंदगी कितनी हसीन है से किया है। इसमें भी सज्जल अली ने लीड रोल निभाया है। नाज़रीन, आप फिरोज खान का कौन सा ड्रामा पसंद करते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। फिरोज खान के वालदैन बहुत ही सादा तबीयत के हैं। इनकी माँ का नाम सोफिया मलिक है, जो कि एक हाउसवाइफ हैं। वहीं फिरोज खान की दो बहनें हैं, जिनका नाम हुमायमा मलिक और दुआ मलिक है। हुमायमा मलिक ड्रामों के अलावा फिल्मों में भी काम करती हैं। इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। इनकी बहन दुआ मलिक भी मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्तगी रखती हैं। फिरोज खान ने 2018 में शादी की है। इनकी बीवी का नाम सईदा अलीज़े फातिमा रजा है। इनका एक बेटा है जिसका नाम सुल्तान फिरोज खान है। अब हम इनके अवार्ड के बारे में बात करते हैं। फिरोज खान को 2018 में खानी ड्रामा में बेहतरीन अदाकारी करने की वजह से लक्स एक्टर अवार्ड की तरफ से बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। अब हम इनके घर के बारे में बात करते हैं। फिरोज खान इस वक्त कराची में रिहायश पजीर हैं। इनका कराची में एक खूबसूरत घर है जिसकी कीमत करोड़ों में है। और आपको फिरोज खान की ज़िंदगी के बारे में अगर कुछ पता चला है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।